तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। तो गाइज, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे बना सकते हो एक ईजिएस्ट आयरन फार्म। और जो ये वाला आयरन फार्म है ना, इसमें आपको बहुत ही कम चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और जो ये वाला फार्म बनाया है, वो बनाया है ओइंक ओइंक ने, मैंने उससे इंस्पायर होकर बनाया ये वाला आयरन फार्म। तो ये रही चीज़ें जो कि आपको लगेंगी इस फार्म को बनाने में। तो गाइज, आपको ये फार्म बनाना है 150 ब्लॉक दूर किसी विलेजर से, बेड से और वर्क स्टेशन से। तो गाइज, पहले आपको क्या करना है, कोई प्लेन जगह पे आ जाना है, फिर आपको 5 ब्लॉक डिग करना है। जैसे ही आपने 5 ब्लॉक डिग कर लिए, उसके बाद यहाँ पे 4 ब्लॉक डिग करना है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है एक जगह पे। उसके बाद आपको 8 ब्लॉक नीचे की तरफ डिग करते हुए जाना है। जैसे ही आपने डिग कर लिया 8 ब्लॉक नीचे, उसके बाद आपको पूरा जो हमने बनाया है ना आउटलाइन, उसको माइन कर लेना है। माइन करने के बाद कुछ ऐसा लगेगा ये। जैसे आपने कर लिया ये, उसके बाद क्या करना है, आपको सबसे नीचे आने के बाद आपको कुछ ऐसे माइन करना है। और एक कॉर्नर के ब्लॉक्स को मत तोड़ना, ठीक है, ये ध्यान रखना। आपको बस ये माइन कर देना है एक ब्लॉक पीछे की तरफ, बस कॉर्नर के ब्लॉक को मत तोड़ना। तो कुछ ये ऐसा लगेगा, देख सकते हो कॉर्नर्स के ब्लॉक नहीं तोड़े मैंने, और ऐसे आपको तोड़ना है। फिर आपको क्या करना है, अपने बेड लेने हैं। बेड लेने के बाद आपको एक बेड यहाँ पर प्लेस करना है, फिर आपको एक यहाँ पर प्लेस करना है, फिर आपको यहाँ पे आ जाना है, फिर आपको एक यहाँ पे प्लेस करना है, फिर आपको यहाँ पे, तो बाकी 4 बेड्स भी ऐसी प्लेस करने हैं आपको। तो गाइस, जैसे आपने बेड प्लेस कर लिए सारे, उसके बाद क्या करना है, आपको एक साइड पे आने के बाद आपको बेड्स प्लेस करते जाने हैं लाइक दिस, ऐसी प्लेस करने हैं आपको। उसके बाद आपको उसकी अपोजिट साइड में जाना है जहाँ पे आपने बेड प्लेस करे थे, उसके बाद वैसे ही प्लेस कर देना है जैसे आपने अपोजिट साइड में करा था। फिर आपको क्या करना है कि एक साइड में आ जाना है, फिर एक बेड यहाँ पे प्लेस करना है, फिर एक यहाँ पे करना है, फिर आपको क्या करना है, बिल्कुल सेंटर में आ जाना है, फिर आपको 2 ब्लॉक प्लेस करने हैं। उसके बाद क्या करना है, आपको जो एक प्लेटफॉर्म सा बना देना है यहाँ पे। जैसे आपने बना दिया इसका प्लेटफॉर्म पूरा, फिर आपको क्या करना है, बीच में एक टॉर्च लगा देनी है लाइक दिस। और जैसे ही आपने टॉर्च लगा दी, उसके बाद क्या करना है, आपको एक साइड पर आ जाना है और फिर यहाँ पे 2 ब्लॉक तोड़ने हैं, फिर 2 ब्लॉक यहाँ पे तोड़ने हैं, फिर 2 ब्लॉक इस साइड वाले में तोड़ने हैं यहाँ पे। फिर आपको लगाने हैं फ्लैचिंग टेबल जहाँ जहाँ पे हमने ब्लॉक तोड़े थे। फिर आपको पीछे मूव करना है अपना, और उसके बाद क्या करना है, 2 ब्लॉक यहाँ पे तोड़ो, 2 ब्लॉक यहाँ पे तोड़ो, 2 ब्लॉक यहाँ पे तोड़ो, फिर आपको वैसे ही आपको फ्लैचिंग टेबल प्लेस करने हैं। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे 4 ब्लॉक तोड़ने हैं आपको लाइक दिस। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे फ्लैचिंग टेबल प्लेस करने हैं, फिर आपको उसके पीछे भी बिल्कुल वैसे ही करना है। ये करेक्ट होने चाहिए 20 फ्लैचिंग टेबल्स, ठीक है। तो जैसे आपने ये प्लेस कर दिया, देख सकते हो कुछ ऐसा लगने वाला है ये। फिर आपको क्या करना है, आपको लाने 2 विलेजर्स यहाँ पे, और 2 विलेजर्स को आप माइनकार्ट से नीचे भेज सकते हो और उनको नीचे फेंक सकते हो, वो मरेंगे नहीं। फिर आपको इनको फूड दे देना है, कैरेट दे सकते हो, पोटैटो दे सकते हो या ब्रेड दे सकते हो। इनको पहले माइनकार्ट से उतार देना, फिर आप इनको कैरेट, ब्रेड या पोटैटो दे दो। फिर ये जैसे इनकी जनसंख्या बढ़ जाएगी ना, तो आपको क्या करना है कि बस 20 विलेजर होने चाहिए, ठीक है। और आपको ये वाला जो विलेजर मिलेगा ना अगर इनमें से कोई, तो उसको मार देना है, ठीक है, अगर आपको ग्रीन कोट वाले मिलेगा। फिर आपको 20 विलेजर होने चाहिए जो कि वर्किंग विलेजर होने चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है, आपको जो ब्लॉक्स रखने हैं इनके ऊपर, देख सकते हो, और जैसे ही आपने पूरा प्लेटफॉर्म बना दिया इनके सर के ऊपर विलेजर्स के, फिर आपको क्या करना है कि एक ब्लॉक से आपको बढ़ा देनी है चारों साइड्स को, ठीक है, लाइक दिस। जैसे कि आप देख सकते हो चारों साइड को एक ब्लॉक से बढ़ा देनी है। और ये गोलेम स्पॉन हो गया गाइज एकदम से, तो ये स्पॉन हो जाए तो समझ जाना यार आपका फार्म ना अल्ट्रा प्रो की तरह वर्क करने वाला है। तो देख सकते हो ये कुछ ऐसा लगेगा, जैसे आपने तोड़ दिया एक साइड, आपने एक ब्लॉक से अगर आपने वो तोड़ दी, तो देख सकते हो कुछ ऐसा लगेगा। उसके बाद क्या करना है, आपको 2 कॉर्नर्स में आपको ऐसे वाटर डालना है, उनके ऊपर ब्लॉक लगा के फिर उसको तोड़ देना है, ठीक है। फिर कुछ ऐसा लगेगा, ये जो गोलेम है वो पीछे चले जाएगा। फिर आपको 6 ब्लॉक तोड़ने हैं ऐसे, जैसे आपने 6 ब्लॉक तोड़ दिए, उसके बाद आपको तोड़ने हैं 2 ब्लॉक यहाँ पे, फिर आपको 2 चेस्ट लगा देनी है लाइक दिस। फिर आपको क्या करना है, एक ब्लॉक लेना है आपको, ठीक है, ब्लॉक लो आप, और यहाँ पे ब्लॉक प्लेस करना है वाला,
जैसे ही आपने प्लेस कर दिया उसके बाद एक चेस्ट के पीछे मतलब कनेक्टेड वो होना चाहिए हॉपर। फिर आपको क्या करना है, एक लगाना है यहाँ पे फेंस गेट, फेंस गेट को खोल देना है आपको। फिर एक यहाँ पे और साइन लगाना है, फिर एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे आपको क्या करना है, एक ब्लॉक लगा देना है स्मूथ स्टोन। फिर उसके नीचे लगा देना है स्मूथ स्लैब, या तो कुछ भी लगा सकते हो गाइस, आपकी मर्जी है। और फिर आपको क्या करना है, नीचे लगा देना है एक साइन। तो जैसे ही आपने ये कर दिया और उसके बाद क्या कर देना है, आपको गेट के ऊपर साइन लगा देना है। तो गाइस आपका पूरा फार्म बन के रेडी है, बस आपको यहाँ पे लावा डालने की देरी है। और जैसे आपने लावा डाल दिया तो पूरा फार्म बन के रेडी है आपका। बस आपको एक लास्ट चीज़ करनी है, ये आप ऑप्शनल है, वैसे आप आपकी मर्जी है आप करो या ना करो। तो देख सकते हो आपको क्या करना है, चार ब्लॉक गिनते हुए आना है। फिर चौथे ब्लॉक पे क्या करना है, आपको नीचे चार ब्लॉक तोड़ देने हैं। फिर आपको क्या करना है कि यहाँ पे देख सकते हो बिल्ली भी आ गई थी, तो आपको लैडर्स लगा देनी है चार। और जैसे आपने चार लैडर्स लगा दी, उसके बाद क्या करना है, आपको ट्रैप डोर लेना है और ट्रैप डोर कुछ ऐसा लगा देना है, ठीक है। उसके बाद आप नीचे कभी भी जा सकते हो और कभी भी आप चेस्ट को ओपन कर सकते हो। तो देख सकते हो आपका पूरा फार्म बन के रेडी है। मैं आपको AFK होके दिखा देता हूँ, ये AFK तो नहीं है, बस AFK के हाईलाइट हैं। तो गाइज मैं 10 मिनट अभी AFK हुआ हूँ, तो अब देखना पड़ेगा कि मेरे पास कितना आयरन। तो देख सकते हो गाइज मेरे पास 60 आयरन आया है। गाइज मतलब इतनी अच्छी चीज़ हो गई ना, 60 आयरन आया है, मतलब अब मेरे को मिल सकता है एक घंटे में 360 डायमंड्स। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।